आज मैं आपको एज ए मिडवाइफरी आपको मिडवाइफरी किट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए मिडवाइफरी हमें इस मिडवाइफरी किट के बारे में पता होना चाहिए कि एक मिडवाइफरी किट में क्या क्या होना चाहिए, ताकि हम किसी भी इमरजेंसी पर्पस में इसको यूज़ कर सकें। और इसमें 29 आर्टिकल्स होते हैं, तो अभी हम इस बैग को ओपन करेंगे। इस किट को भी हमने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में है जो डिवाइड किया है। इसमें कुछ स्टाइल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ क्लीन होते हैं और कुछ जो है वो डिस्पोजेबल आर्टिकल्स होते हैं, जिनको हमें क्या करना है उसके कंटेंट को डिस्पोज करना है, ताकि हमने इनकी पॉकेट भी सेपरेट कर रखी है और इनकी पॉकेट का अटैचमेंट भी इस तरह से सब है, ताकि इसको हम जो है निकाल के क्लीन कर सकें। इनके बीच में ये देखिए अटैचिंग्स है, तो इस तरह से हमने इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। देखते वन बाई वन इन कंपार्टमेंट्स में क्या है। सबसे पहले जो स्टाइल कंपार्टमेंट है, उसमें जो है स्टाइल कॉटन है, जो कि ज़रूरी होती है। उसके बाद में जो दूसरा उसमें जो है ये दूसरा उसमें ये एक सीजर है कट करने के लिए। तीसरा जो है इसमें 2 आर्टरीज हैं, आर्टरीज को क्या करना है, कट करना है, कॉर्ड को दोनों तरफ से क्लैंप करना है कट करने के लिए। एक आर्टरी ये है और एक दूसरी आर्टरी है, फिर एक ये फोर्सेप है, ताकि हम इसमें स्टाइल गॉज और कॉटन को जो है वो ग्राफ्ट कर सकें। फिर 2 ट्रे हैं, एक स्मॉल किडनी ट्रे है और एक मीडियम किडनी ट्रे है, जो लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट सेक्शन में इसमें थोड़े बाउल, इसमें हम स्टाइल गॉज और कॉटन रखेंगे और इससे ये सोप डिश है क्लीनिंग के लिए। और ये जो एक बिग जार है, तो एक्युमुलेट द फ्लूइड, तो उसमें हम फ्लूइड को कहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे, इसको हम अलग सेक्शन में रख देंगे। तो ये पूरे 3 सेक्शन थे मिडवाइफरी किट के। अब देखते हैं इसके साइड पॉकेट में क्या क्या है। इसकी जो साइड पॉकेट, उसमें जो है वो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बैग है, ताकि हम किसी भी प्रोसीजर करने से पहले उसको स्प्रेड कर सकें और हर बार ये जो है उसको डिस्पोज करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो स्टाइल है ये क्या है, अल्कोहल बेस्ड जो है वो स्प्रिट है, और इसको हमें चेक करते रहना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड स्प्रिट है, ये कॉर्ड क्लैंप है, जो डिलीवरी में कॉर्ड को कट करने के बाद कॉर्ड को धागे से नहीं बांध के हम इसको, क्योंकि ये स्टाइल है इसलिए हम कॉर्ड क्लैंप स्टाइल वाली यूज़ करते हैं। ये इंची टेप है एंटीनेटल या फिर एट ए टाइम ऑफ टर्म फंडल हाइट और फंडल गर्ड को मेज़र करने के लिए हम इंची टेप यूज़ करते हैं, और डिलीवरी के बाद भी कितना जो है यूट्रस का साइज डिमनिश हुआ है उसके लिए भी हम इस इंची टेप का यूज़ करते हैं। और ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटो स्कोप बोलते हैं। तो जो फीटो स्कोप है, इसको फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास स्टेथोस्कोप डॉपलर नहीं है तो फीटो स्कोप से जो है फीटल हार्ट रेट मेज़र करते हैं। इसको जो है वो पूरे 1 मिनट तक मेज़र करना होता है, तभी हमको एक्यूरेट जो है वो वैल्यू मिलेगी। उसमें कुछ इंजेक्शंस के लिए पिन हैं, नीडल्स वगैरह हैं, और ये जो है वो एक बैलेंस मीटर है बेबी का वेट बर्थ के टाइम मेज़र करने के लिए, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। और इसमें ये मेजरिंग यूनिट्स भी हैं। तो इस वेट स्केल का जो हम यूज़ करते हैं वो फीटस का, ये बेबी का वेट जो है वो मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का वेट कितना है। अब हमारे पास कुछ कंज्यूमेबल्स हैं, जिसमें जो है वो लाइक सीरिंजेस हैं 2 ml की, 5 ml की, और इसको बोलते हैं म्यूकस सकर या म्यूकस एक्सट्रैक्टर। अगर बेबी को कुछ एक्स्ट्रा जो है सलाइवा है या एस्फिक्सिया है, तो हम कैसे उसको म्यूकस सकर से उसको जो है वो निकालेंगे, तो ये जो हमारा सक्शन मशीन होता है बड़े उसके ही रिप्लेसमेंट है, जो कम्युनिटी में हम एज ए म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है क्लीन द एयर वे ऑफ द न्यू बॉर्न के लिए ये यूज़ करते हैं। तो
तो मिडवाइफरी किट में ये सारे आर्टिकल्स होते हैं, लाइक स्टाइल आर्टिकल हो गए, क्लीन आर्टिकल हो गए और डिस्पोजेबल आर्टिकल हो गए, अलॉन्ग विद कुछ स्टाइल जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं, तो उनको हम साइड में रखते हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं। इसमें सीरिंजेस हो गई, नीडल्स हो गए, म्यूकस एक्सेक्टर हो गया और कॉर्ड क्लैंप हो गई, और इंची टेप जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं उसको हम आउटर पॉकेट में रखते हैं। सपोज हमें कोई मदद मिली एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए तो हम हैंड को क्या करेंगे, सैनिटाइज करके बाइक को हल रब्ड हम सैनिटाइज करके क्या करेंगे उसको फंडल हाइट मेज़र कर सकते हैं और फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ मेज़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, पर ये कम्युनिटी बेस्ड मिडवाइफरी किट है क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में हमें सारी चीज़ें अलग सिस्टम में चाहिए रहती हैं। तो आई होप कि इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा कि मिडवाइफरी किट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है और किसे इनकी जो इन जो पॉकेट्स हैं इसको क्लीन और स्टाइल को सेपरेट करना है और किस तरह इनर और आउटर पॉटर पॉकेट को अकॉर्डिंग टू हमारे नीड और प्रोसीजर हमें उसको डिवाइड करना है और आर्टिकल्स को रखना है।